हे भगवान, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस पेट के दर्द से। मम्मी जी, ये खा लो। आप क्या ले आई? थोड़ा सा दलिया लाई हूँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, फिर आपको दवाई भी लेनी है। नहीं बहू, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, तो ले जाए इसे। मम्मी जी, कुछ नहीं खाएंगी तो ताकत कैसे आएगी? डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहना है। ये पेट के दर्द में कुछ भी खाने का मन नहीं करता। अच्छा, थोड़ा सा तो खा लीजिए। मुन्ना कहाँ है? मम्मी, अभी सुला कर आई हूँ उसे। आपने ना उसकी ऐसी गोदी की आदत डाल ली है कि बस अब वो पूरा टाइम गोदी में ही रहता है। आपकी तो हिम्मत है, आप उसे गोदी में रखती हो पूरा दिन। क्या करूँ, उसके बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता। अब मैं भी मजबूर हूँ बेटा, मेरी हिम्मत ही नहीं है अब उसे रखने की। तभी तो कह रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाइए। और ठीक आप तभी आऊँगी जब डॉक्टर के कहे मुताबिक आप समय से दवाई खाएंगी और खाना पीना खाएंगी। एक तो उस डॉक्टर ने मोहन ने इतनी कड़वी दवाई दी है, पता नहीं जैसे कोई दुश्मनी निकाली हो मेरे से। दवाई भी अब आपको टेस्टी चाहिए। अब आप थोड़ा सा खा लो, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगी। और अगर आपका वो लाडला जग गया ना, फिर तो हो लिया काम। मम्मी, अरे रेनु, तू आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आपने मुझे फोन भी नहीं किया। अब तुझे क्या क्या बताऊं बेटा, अब वैसे भी अब तो बुढ़ापा है, ये सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, अब तो बहुत आराम है। फिर भी मम्मी, मम्मी घर का क्या हाल हुआ पड़ा है? भाभी कहाँ है? वो मुन्ना को सुलाने गई है, बहुत देर से रो रहा था। अच्छा, मैं पानी पीकर आती हूँ। मम्मी, ये क्या हाल बना रखा है घर का? सारी रसोई फैली पड़ी है, सारा घर फैला पड़ा है, सारा सामान इधर से उधर। आप कहती क्यों नहीं हो भाभी से कुछ? अभी से इतनी ढील देनी चालू कर दी ना, सिर पे नाचेगी आपके, बता रही हूँ। और एक मैं थी, शादी से पहले कितना साफ रखती थी घर को, कोई चीज इधर से उधर नहीं हो सकती थी। और इस घर को कोई देख के कह सकता है ये वही घर है? आप तो कुछ कहने वाली हो नहीं, मैं समझाऊंगी भाभी को। कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ कहने की। खबरदार जो उससे कुछ कहा तो। क्यों? तो वजह जाने बिना लड़ने चल दी अपनी भाभी से। एक तो मैं बीमार, ऊपर से उसका छोटा बच्चा, वो कैसे संभाल रही है मुझे ही पता है। उसे सोए हुए कई कई दिन हो जाते हैं। और रही घर के साफ सुथरा होने की, तो जब तू काम करती थी तो अकेली थी, जिम्मेदारी नहीं थी तुझ पे किसी की। थोड़ा सा तू कर लेती थी, थोड़ा सा मैं, मिल बांट के कर लिया करते काम। और ऐसा नहीं है, बहू भी बहुत साफ सफाई रखती है। मैं लालों को संभाल लेती हूँ, वो काम कर लेती है। अब जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, दोनों की जिम्मेदारी आ गई है उस पर। अब वो घर संभाले, मुझे संभाले या बच्चे को। मैं ठीक हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। और तू अभी बातें बना रही है ना, जब खुद माँ बनेगी तब पता चलेगा तुझे कि बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है। अरे दीदी, आप कब आए? अभी आई हूँ भाभी, थोड़ी देर पहले ही। अरे ठीक है, मैं आपके लिए अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चलो दोनों बातें करते हैं।
हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस तरह एक माँ ने अपनी बेटी को समझाया और बेटी ने जिस तरह उस बात को समझा और अपनाया, उसी तरह ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा। दीदी से तो आप प्यार करते ही हैं, मुझ पर भी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। और इस वीडियो में आपको मेरा काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अलग अलग टॉपिक पर मेरे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे नए चैनल लाइफ मोटिवेशन पूनम प्रिया को भी सब्सक्राइब करें। मेरे नए चैनल लाइफ मोटिवेशन पूनम प्रिया का लिंक वीडियो के अंत में मिल जाएगा।